नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्ट्रेटजी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। दोस्तों मनुष्यों के लिए दोस्तों मानक ध्वनि स्तर कितना होना चाहिए दोस्तों? 60 डेसिबल होना चाहिए दोस्तों। कितना? 60 डेसिबल होना चाहिए दोस्तों। महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था दोस्तों। किसने कराया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था दोस्तों। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव्य ध्वनियों को का उपयोग किया जाता है दोस्तों। एक जैव पद्धति जिसमें दोस्तों प्रासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे दोस्तों सोनोग्राफी कहते हैं दोस्तों। जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा द्वित रेखन के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों, उसे दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सुनार कहते हैं दोस्तों। डपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? दोस्तों डपलर प्रभाव दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह दोस्तों ध्वनि से संबंधित है दोस्तों। सावित्री फूले किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? दोस्तों सावित्री फूले दोस्तों किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है दोस्तों। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर 2019 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 9 नवंबर 2019 को हुआ था दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य या हम्पी किस राज्य में है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य या हम्पी दोस्तों किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है दोस्तों? दोस्तों 50 रुपए के नोट पर दोस्तों किसका चित्र अंकित है दोस्तों? तो हम्पी के रथ का चित्र अंकित है दोस्तों। GST काउंसिलिंग में लॉटरी पर कितना टैक्स है दोस्तों? GST काउंसिल में ने लॉटरी पर दोस्तों कितना टैक्स है दोस्तों? तो 28% है दोस्तों। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है दोस्तों? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो CO2 को कहा जाता है दोस्तों। यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो यह दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आया था दोस्तों। सांची के सपूत की खोज कब हुई थी दोस्तों? सांची के सपूत की खोज दोस्तों कब हुई थी दोस्तों? तो यह दोस्तों 1818 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। लंबे समय तक रहने वाला राजा कौन है दोस्तों? तो लंबे समय तक रहने वाले राजा ओमान के सुल्तान कबूस थे दोस्तों। इनकी दोस्तों मौत 2020 में हुई थी दोस्तों। अराकू वैली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दोस्तों अराकू वैली दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सिरका में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो उसमें एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों। माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? दोस्तों माधवपुर मेला दोस्तों कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? तो यह गुजरात में आयोजित होता है दोस्तों। रात्रि को चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? रात्रि में दोस्तों चमकने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? हैं तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं दोस्तों। ब्रह्मागिरी वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ब्रह्मागिरी वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों कर्नाटक में है दोस्तों। फेफड़े के मध्य में कौन सी ग्रंथि उपस्थित है दोस्तों? फेफड़े के मध्य में दोस्तों कौन सी ग्रंथि उपस्थित है दोस्तों? कौन है दोस्तों? थाइमस है दोस्तों। कौन सी ग्रंथ है? थाइमस ग्रंथ है दोस्तों। टोरा बोरा की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? टोरा बोरा की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में है दोस्तों। गेट वे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? दोस्तों गेट वे ऑफ इंडिया के दोस्तों वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज विंटर थे दोस्तों। कौन थे? जॉर्ज विंटर थे दोस्तों। प्याज में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? दोस्तों प्याज में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो इसमें सल्फ्यूनिक अम्ल होता है दोस्तों। कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूनिक अम्ल होता है दोस्तों। लेडी बिलिंगडन
पार्क कहाँ पर है दोस्तों? दोस्तों लेडी ब्लिंटन पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। किस वर्ष बम्बई का नाम मुंबई रखा गया था दोस्तों? दोस्तों किस वर्ष बम्बई का नाम मुंबई रखा गया था दोस्तों? तो 1995 में रखा गया था दोस्तों। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर दोस्तों कौन सा दोस्तों है? तो कोलंबो है दोस्तों। हर एक वंश का प्रथम शासक कौन है दोस्तों? हर एक वंश का प्रथम शासक कौन है दोस्तों है? तो दोस्तों बिम्बसार है दोस्तों। कौन है दोस्तों? बिम्बसार है दोस्तों। इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ इंडिया कौन था दोस्तों? इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ इंडिया कौन था दोस्तों? तो वित्त मंत्रालय था दोस्तों। गुप्त शासकों ने किसानों पर कौन से कर लगाए थे दोस्तों? दोस्तों किसानों पर दोस्तों गुप्त शासकों ने कौन से कर लगाए थे दोस्तों? उपरी कर और उद्रंग कर लगाए थे दोस्तों। भारत तेल का आयात सबसे ज़्यादा किस देश से करता है दोस्तों? भारत तेल का सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है दोस्तों? तो इराक से करता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।